बहुत भगवान ने विचित्र लीला की। भगवान ने देखा कि इस सुदामा ने तो ना मांगने की कसम खाई और ये संसार कैसा है, इस संसार का नियम जब तक मांगोगे नहीं ना, अरे मांगने वाले को भी रिजेक्ट कर देते, जाओ हटो। हमने ये देखा है बड़े बड़े करोड़पति की कोठी है और बाहर एक भिक्षुक खड़ा है और कितना पैसा है उनको खुद ही पता नहीं, अरबों खरबों, और एक कोई बेचारा भूखा नंगा वहां बाहर खड़ा हो गया कि कुछ मिल जाए। हटो हटो, जैसे तुलसीदास ने कहा है, तुलसी या संसार में सबसे मिलो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान के भक्त तो ऐसे नहीं। कबीर जी ने कहा अगर कोई ठग भी ले तो कहते कबीरा आप ठगाइयो, कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजत है और ठगे दुख हो सियावर रामचंद्र। कबीर जी ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर दोहे बनाए तो औरों को ठगने वाला क्या ठग लेगा, उसके कपड़े उसके पैसे इतना ही ठग सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। आगे जब मृत्यु की बेला आएगी तब यमदूत उससे जो पूछताछ करेंगे और मार लगाएंगे कि तूने ऐसे लोगों को ठगा दिया, तब क्या होगा, जिसको ठगा वो तो फिर से कमा लेगा बना लेगा भगवान के पास, लेकिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा। तो इसलिए कबीरा आप ठगाइए, अपने आप को ठगवा लो भगवान से, भगवान को गंदा गंदा दे दो। भगवान अपने शरीर में क्या है, गंदा मन है, गंदी बुद्धि है, और ये शरीर कैसा है, मल मूत्र की फैक्ट्री है। अब भगवान ये चीज मांग रहे हैं कि अपना तन मन मुझे दे दे, और भगवान के पास में है चिन्ह में आनंद दिव्य आनंद, कहीं भी प्रकट हो जाएगा, कोई भक्त तुझे याद करेगा संत बन जाएगा ना तू, तो तेरे भक्त कहीं हजारों किलोमीटर दूर याद करेगा वही सदगुरु बनकर के उसकी ऊपर कृपा करेगा, क्योंकि तू भगवान बन गया। भगवान के पास में दिव्य शक्तियां हैं, चेतन अमल सहज सुख राशियां मिल जाएंगी। तो गंदा गंदा दे दो भगवान, ये मन संसार को जो दे रखा ना, गंदे को गंदा दिया तो उसने और गंदा बना दिया, अब गंदा चीज अच्छे को दे दो तो कन्हैया ऐसा अच्छा बनाएगा कि आपके मन में खुद ही बस जाएगा। बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, बसो मेरे नैनन में गौर चंद्र, है राधा कृष्ण जी ब्रज के संत कहते हैं। तो भगवान वहां संत रूप में आए और उनकी पत्नी को बोले देवी तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी अगर तुम्हारे पति अपने मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास चले जाए। बोले कभी इन्होंने अपने मित्र की चर्चा नहीं की, अभी कीर्तन में बैठे हैं जप कर रहे हैं। बोले जाओ पूछो, कीर्तन से उठे सबसे पहला प्रश्न किया, क्या आपका कोई मित्र है, अभी तो माला जप रही श्री कृष्ण, आंखों से अश्रु धार जा रही है, और जैसे ही कहा मित्र तो दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। बोले देवी आज तुमने मेरी कन्हैया की याद दिला दी, मेरे जीवन में केवल एक मित्र है वो है श्री कृष्ण, 150 मित्र बनाए होंगे, एक बार हमारे कहने से वृंदावन वालों के कहने से हमारा घर प्रेम मंदिर के सामने जो केशव धाम है, केशव धाम के पीछे सरस्वती विहार में, तो एक बार आप वृंदावन वालों की बात मान के तो देखो, एक बार अब तक जिसे दोस्त बनाया बनाया वेलकम है, लेकिन अब एक नया फ्रेंड नया मित्र सखा दोस्त कन्हैया को बना विराजमान करो अपने यहाँ लड्डू गोपाल, और रसोई से मांस मदिरा
अंडे पंडे सब निकाल के हटा दो, तुलसी लाओ, गंगा जल लाओ, गीता ग्रंथ लाओ, रामचरित मानस लाओ, श्रीमद् भागवत लाओ, संतों को बुलाओ, कीर्तन करवाओ, अपना घर मंदिर बनाओ। देखो 40 दिन ऐसे करके आपकी दुनिया बदल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई नहीं माने उसे घर से निकाल दो। बोले हमारा बेटा नहीं सुनता, उसे नॉन वेज पसंद है, उसको अपने परिवार में से बात अकल कर दो कि ये हमारा बेटा नहीं। अगर बेटी ऐसी है नालायक मांस मदिरा के खाने वाली, तो उस बेटी को बात अकल कर दो कि हम आज से लिखते हैं वकील साहब कि हमें ये बेटी नहीं चाहिए जो मांस की जिद करे। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छी चीज खाओ, शाकाहार अपनाओ, जय गुरुदेव की वाणी को सार्थक करो, नहीं तो फिर जिन जिन पशुओं को आपने खाया एक दिन वे पशु भी तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे। फिर हम बचाने वाले नहीं होंगे, भगवान बचाने वाले नहीं होंगे, आप भी नोचे जाओगे। जैसे आप मुर्गा की टांग नोच रहे हो, जैसे आप बकरे का दिल खा रहे हो, ऐसे आपको भी नोचा जाएगा। जिस प्रकार से आप अंडा, अंडा क्या है, गर्भ है, तो गर्भ को नष्ट कर रहे हो, ऐसे एक दिन आप भी गर्भ में नष्ट हो जाओगे। ये विधि का विधान है। कर्मणे जायते जंतु, कर्मों के फल से जंतु जन्म लेता है। तो मेरे गोपाल, मेरे महादेव आपको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान सावधान सावधान। फिर ये सुधरने की सीजन नहीं आएगी। पवित्र भोजन लीजिएगा, पवित्र भोजन में पवित्र मन बनता है, पवित्र मन में ही तो श्याम सुंदर आते हैं, भगवान शिव जी आते हैं, राम आते हैं। जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य, रजनी माने रात, क्या दोनों एक साथ दिखाई देते नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए अपने पवित्र प्रभु का नाम लेकर के पवित्र मन कर लीजिए, पवित्र भोजन कर लिए। और माता बहनों, जब भी आप लोग भोजन बनाओ तो भगवान का कोई भजन चला दीजिए, अपने मोबाइलों में भागवत चला दीजिए, रामायण की चौपाइयां चला दीजिए। सबसे बड़ा तो महा कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। सुदामा जी ने कहा मैंने एक मित्र बनाया श्री कृष्ण को, और वही मेरा पक्का मित्र है। बोले मैं भी तो यही कह रही हूं। मैंने सुना है एक महात्मा आए थे अभी अभी जब आप कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर आपके पति अपने मित्र के पास चले जाए तो वो श्री कृष्णचंद्र ऐसे हैं, द्वारका में रहते हैं, ब्राह्मणों को इतना धन देते हैं, फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत, तो आप जाओ ना। सुदामा जी ने डांट दिया, क्या कह रही है बावरी, मित्र के पास जाओ, इतने दिन में कृष्ण की याद द्वारकाधीश मिलने का भाव जगा, और वो भी कुछ लेने के लिए। मैं ऐसा मित्र नहीं हूं कि अपने मित्र के पास जाकर के बोझ बन जाऊं, इसीलिए तो नहीं मैं जाना चाहता। कई बार मेरे मन में आया श्री कृष्ण को ढूंढू, कहां रहते हैं, कहां रहे हैं। देखो भगवान को प्रेमी लोग ढूंढते हैं, भगवान को भक्ति में ढूंढा जाता है। यहाँ सुदामा जी ने कहा मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, कुछ नहीं मांगूंगा। बोले अच्छा अच्छा, मन में सोचा सुशीला ने कि अगर मैंने मांगने की जिद की तो ये जाने वाले बोलो कभी नहीं जाएंगे, इसलिए इनसे तो अपना काम बनाओ, तभी तो मेरे बच्चों को कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक है कम से कम दर्शन तो करने जा सकते हो। बोले हाँ दर्शन की थे, लेकिन भाग्यवान चार जगह, एक अपने मित्र के यहाँ, एक अपने रिश्तेदारों के यहाँ, एक अपने गुरु के दरबार में, और एक कहीं सत्संग हो भागवत कथा दी, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने किसी रिश्तेदार के भी जाए तो भले ही कुछ ना हो तो 5-6 केले ही लेके चले जाओ रिश्तेदारों। एक नियम होता है, एक कायदा होता है, एक शास्त्र का रूल्स है। और गुरु के दरबार में जाए तो कुछ लेके जाए,
और भगवान की कथाओं में आओ तो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि कथा में आप लोग जो प्रसाद आदि लाते हो बताइए हम कितना लेके जाते हैं। आधा अधन दरबार है राधा रानी का, चाहे आप सेब लाए चाहे आप केले लाए, हमारे गुरु ऐसे हैं कि इस तरफ हमारा मन मोड़ा ही नहीं, हमारे तरफ तो एक कन्हैया की तरफ मन मोड़ दिया। इनसे बड़ा कोई कीमती नहीं है, इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है। तो आप लोग जो प्रेम से आग्रह करके देते हो ये आप ले जाइए तो हम सोचते हैं, बोलो जैसे नहीं तो दे रहा था इसको अर्पण क्या लाना है। तो सुदामा जी चले हैं, कहा कि देवी तुम कुछ लाई हो मेरे मित्र को देने के लिए। बोले हाँ पहले से ही मैं लेकर के आई और चल पड़ी है, चार घरों से चिवड़ा लेके आई है, कहीं चावल का भी वर्णन आया है। जा रहे हैं सुदामा जी अपने मित्र को ढूंढने के लिए। आप थोड़ा सा मीठी मीठी ताली बजा कर एक बार हम गाएंगे सुदामा जी के साथ, जरा गा लीजिए। अनजान नगर है, अनजान नगर है, अनमिला पिया है, उस पिया को ढूंढ रहे हैं। हे कृष्ण बोलो, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे कन्हैया। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कैसे हम बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, वो भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल याद आ रहे हैं, वो कन्हैया का रूप याद आ रहा है, श्री कृष्ण श्यामल श्यामल वर्ण। देवी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर से, देवी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर से, उलझा हुआ ये मन सुलझाऊं बड़े बड़े संत महात्मा आए, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् एकः सिद्ध है, वो सिद्ध हुए। हजारों मनुष्य भी कोई एक श्री कृष्ण के लिए ऐसे चलता है, सब कुछ छोड़ करके लात मार करके सारे धन धान्य पर हटो, अब तो कृष्ण को ही ढूंढूंगा, अब तो कृष्ण से ही प्रेम करूंगा, बस वही मेरा सब कुछ है, ऐसा कोई मिलना होता है कोई नहीं। जरा चल करके देखो, एक दिन भी तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, जब मृत्यु आएगी इससे पहले मृत्यु आ जाए आप लोग सबकी आसक्ति हटा दीजिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है, भगवान के नाते सब अपने थे अपने हैं। तो भगवान के नाते कभी वृंदावन आओ, प्रभु के दर्शन करने ही आ जाओ, बाकी बिहारी जी के लिए वृंदावन जाना, एक दिन सब कुछ संपत्ति आपकी हड़प ली जाएगी, काल सबको अकेला ही जाने देगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत भगवान की सेवा में उनके वृंदावन की धूल में धूल बन गए, आज लाखों मरने के लिए लाखों लुटे लाखों लुटने के लिए तैयार बैठे हैं, तेरी तलब के दीदार करने वाले तेरे भक्त चरणों की खाक शाही में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक शाही में खुद खाक बन गए, अब खाक को हम खाक पे चढ़ाएं
सुबह के निकले दोपहर हो गई शाम हो गई, अगर कहीं भगवान की कथा मिल जाती वहीं बैठ जाते, कहीं कीर्तन मिल जाता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वहां कीर्तन में शामिल हो जाते हैं। शाम हो गई अभी रास्ता नहीं पा रहा, कई दिन लग गए अपने नगर से निकलने में, कई दिन लग गए क्योंकि सुदामापुरी में सब भगवान का भजन करते हैं। जरा सा कहीं से नाम आ जाए श्री कृष्ण गोविंद हरे कीर्तन हो रहा है, चलो बाद में जाऊंगा पहले भगवान का कीर्तन कर लूं, कहीं भागवत हो रही वहां बैठ जाते हैं। ऐसा है प्रेम सुदामा का जिनकी, ये थोड़े से उर्दू के शब्द हैं क्योंकि पहले 50 साल पहले उर्दू को लाया गया था स्कूलों में, पक्षपात नहीं करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषा नॉलेज देती है ज्ञान। तो जब उर्दू को लाया तो हमारा निवेदन है संस्कृत को भी जनरल करना चाहिए, कॉन्वेंट में भी संस्कृत कंपल्सरी होनी चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उस समय संत बिंदु कवि जी का ये पद है, तो बिंदु जी ने इसमें थोड़े उर्दू के शब्द डाले। जिनको तबीब देख के खुद पर गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाई जिनको श्री कृष्ण का मिलन का विरह का रोग लग गया है, वो जब तक श्री कृष्ण नहीं मिल जाते वो रोग ठीक होने वाला बोलो बोलो नहीं। बस इसकी तो एक ही उपाय है, कन्हैया का दर्शन हो जाए भगवान मिल जाए। आंखों से अश्रु बिंदु, जब तक आप लोगों के आंखों में श्री कृष्ण के लिए आंखों से आंसू नहीं आएंगे तब तक आपका जीवन अधूरा है। ये बताइए हाथ उठा करके, आप में से कोई कभी रोया है?